खरगोन जिले में रेत के अवैध परिवहन के साथ ही खनिज अमले ने कोयले के अवैध परिवहन को भी कार्यवाही के दायरे में ले लिया है। खनिज अमले ने मैन गांव कसरावद भिकन गांव में रेत का अवैध परिवहन करते डंपर ट्रैक्टर ट्राली के साथ ही कोयले का ट्रक पकड़ा है। खनिज अधिकारी सावन चौहान ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर मैन गांव में दो डंपर एक ट्रैक्टर ट्राली अवैध परिवहन करते पकड़ी है। कसरावद में एक डंपर और एक ट्रैक्टर ट्राली, भिकन गांव में कार्यवाही कर डंपर और ट्रैक्टर ट्राली जब्त की है। इसी तरह गोगांव के अदलपुरा में कोयले से भरा ट्रक पकड़ा है। सूचना पर पहुंचे अमले ने जब चालक से रॉयल्टी संबंधित दस्तावेज मांगे तो दिखा नहीं सका। उसके पास केवल कच्चे कागज पर बिल था, जिस पर अवैध परिवहन का प्रकरण बनाकर ट्रक को कोतवाली में पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। कोयले के संबंध में मुझे कुछ समय पहले एक सूचना मिली थी कि यहाँ पर कोयला आता बिना रॉयल्टी से, चूंकि अभी बारिश चल रही थी इसलिए अभी कोयला बंद था। कल ही मॉर्निंग में मुझे एक मेरे मुखबिर से एक सूचना मिली कि बोले सर जो गोगांव के पास अदलपुरा है वहाँ पर एक कोयले का ट्रक मतलब कि आया है। फिर तत्काल मैंने मेरी टीम को वहाँ पर भेजा, माइनिंग इंस्पेक्टर वहाँ पर पहुँची, उन्होंने कोयले की गाड़ी को पकड़ा और उसके सारे कागज चेक करे तो उसमें वो एक सिंपल सा कोरे कागज पे एक बिल था और बस उसके सिवा ना कोई रॉयल्टी थी ना कोई उसका स्टॉक डिपो का कोई पास था। तो हम और उससे हम लोगों ने फिर कागज़ मांगा, अगर हो तो हम उनको दिखा दें, उसके पास कोई कागज़ नहीं दिखा पाया इसलिए हमने उसको तत्काल जब्त कर दिया उसको और थाना गोगांव में उसको हमने बंद कर लिया। हाँ, खनिज विभाग की कार्रवाई तो सतत चल रही है। जैसे ये कोयले की गाड़ी पकड़ने के बाद मेरे पास एक सूचना आई थी कसरावद में, तो हम मेरी टीम कसरावद की ओर निकली तो वो मेनगांव थाने के पास में एक रेत का डंपर ट्रैक्टर और एक एमसेंट का ट्रैक्टर मिला उसे, तो उसे भी उनकी भी देखने पर उनमें रॉयल्टी नहीं थी तो उसको भी मेरी टीम ने जब्त करके थाने में अभिरक्षा में दे दिया। फिर कसरावद पहुँचे, कसरावद में भी दो डंपर थे जो गिट्टी चूरी लेके जा रहे थे बिना रॉयल्टी के, उसको तत्काल खन निरीक्षक ने उसको जब्त करके थाने की अभिरक्षा में दिया। और ऐसे ही भिकन गांव में मेरे पास एक सूचना आई थी कि वहां पर रेत के दो ओवरलोड ट्रक खड़े हैं, तो मैंने तत्काल वहां के जो थाना प्रभारी बाथम साहब को मैंने कॉल लगा के उनसे कोऑर्डिनेट किया और उनको मैंने बोला, तो उन्होंने उनकी मदद से फिर हमने दो डंपर वहाँ भिकन गांव थाने में भी बंद किए। और फिर महेश्वर में भी एक शिकायत प्राप्त हुई थी कल शाम के करीब, तो महेश्वर में भी हम लोग मेरी टीम ने जाके वहाँ पर रेत के तीन ट्रैक्टर पकड़े और एक गिट्टी का ट्रक पकड़ा जिसमें रॉयल्टी नहीं थी। तो इसी प्रकार कल पूरे दिन में हम लोगों ने 10 से 11 गाड़ियाँ पकड़ी है और इसको सभी को हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और ये कार्रवाई सतत चलती रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।